हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूस हैंड चैन शिफ्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए देखते हैं गूस हैंड चैन शिफ्ट क्या होता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे शिफ्ट यानी कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव इंटरफेस। रिफ्लेक्टिव इंटरफेस क्या होता है, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, इंटरफेस और किसका, रिफ्लेक्टिव। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ को मिलाते हैं उसी को हम इंटरफेस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पर नीचे है हमारा N1, ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये ऊपर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर भी। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, वो अलग अलग है। और इन दोनों का इंटरफेस क्या है, ये बीच में, नीचे N1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, नीचे ऊपर N2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। यानी कि नीचे अलग मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है। और जब हमारे मीडियम अलग अलग होते हैं, यानी कि एक रियर होता है और एक डेंसर होता है, तो उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो और आपको ये और याद रखना है, N1 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है N2 से। तो इन दोनों को क्या कंबाइन कर रहा है ये यहाँ पे, ये, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंटरफेस। ओके फ्रेंड्स, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने ये यहाँ पे रे डाली, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये यहाँ से एकदम होना था, जो ये वाली रे है ये यहाँ से ही होनी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ये यहाँ पे अंदर गया और ये यहाँ पे ऊपर क्या है, वर्चुअल रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ये वर्चुअल है, सिर्फ हम सोच सकते हैं, ये एक्चुअली नहीं है, ये वर्चुअल है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। तो ये ऊपर गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन होना चाहिए था ये यहाँ से। और ये जो शिफ्ट हुआ, एक तरीके से इसने यहाँ पे क्या किया, इसका एब्जॉर्प्शन किया और फिर इसको यहाँ से रिलीज़ किया। यहाँ पे एक तरीके से क्या किया, एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, वर्चुअल रिफ्लेक्टिव प्लेन। और फिर ये यहाँ की बजाय ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो ये यहाँ पे शिफ्ट आया, इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। और जो ये हमारा लेटरल शिफ्ट होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, गूस हैंड सेंट शिफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज दी गूस हैंड सेंट शिफ्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।